को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, स्टीव जॉब बीमार पड़े थे 1974-75 में, उनको कैंसर हो गया था। तो वो तब वो स्टीव जॉब नहीं थे एक्चुअली, एक आम इंसान थे। तो वो इंडिया आए थे, जैसा कि उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी, और इंडिया आके उन्होंने इस तरह का जो खाना हम बोलते हैं जैसे नेचुरोपैथी कहते हैं इंडिया में, भारत में, राइट, वो सीखा और वो खाने लगे और वो कैंसर से ठीक हो गए और वो ठीक रहने लगे। फिर 2000 के बाद उन्होंने जब उनकी पत्नी ने पूछा कि भाई आप इस तरह से खाना क्यों खाते हो, कच्चे खाना खाते हो, कच्ची सब्जी, तो मजाक में उन्होंने रिवील कर दिया कि भाई मुझे तो कैंसर था और मैं ऐसे खाता हूँ। वो जो कैंसर वर्ड सुना उसकी बीवी ने और उनके दोस्तों ने पकड़ के उनको डॉक्टर के पास भेज दिया हॉस्पिटल में, ये तो कैंसर और ये क्या कर रहे, तो सारी खतरनाक चीज खा रहे, राइट। तो दैट आई कॉल येल्लो जोन ट्रांजिशन। आप देखते हैं ना येल्लो जोन का क्या होता है, गाड़ी जब आप ट्रैफिक लाइट में होते हैं येल्लो वाला टाइम होता है, उसमें क्या होता है आप जा नहीं सकते, लेकिन तब हार्ट बीट कम होती ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, राइट। तो जाना है, तैयारी कर रहे हैं बट जा नहीं सकते अभी। तो हम मैंने देखा जो डायबिटीज एजुकेटर दे विल रिलेट टू इट कि जैसे ही आप इस डाइट पे आते हैं, जो पेशेंट आता है तो वो येल्लो जोन में आता है, तब आसपास वाले जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, राइट। आप तो आप जाके करेंगे तो बोलेंगे आपके घर वाले जो है, आप तो वो हेल्थ की ट्रेनिंग में गए, आप अपना हेल्थ ठीक करना, आप तो दिमाग खराब करके आ गए, राइट। ये क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस, आपने दूध पीने छोड़ दिया इसके हिसाब से, राइट, डेयरी पर छोड़ दिया, ये दवाई भी छोड़ दी, राइट। सो दिस कॉल्ड येल्लो जोन, मतलब वो डर वाला टाइम। उस टाइम में आपका बिहेवियर क्या होगा, आपका बिहेवियर एक्सपेक्टेडली क्या होगा, वो ये होगा कि पास्ट में मैं क्या करता था, तो क्या करेंगे आप, छोड़ छाड़ के ब्रेन बोलेगा यार तुम चुपचाप उसी रास्ते पे चलो जैसे चलते आए हो, तो रिजल्ट भी वही वाला आने वाला है जो आया करता था, दैट यू नो वेल, राइट। इफ यू डोंट डू न्यू एक्शन यू कैन नॉट गेट द न्यू रिजल्ट, राइट। फिर कुछ दिन बाद मिलते हैं, डॉक्टर साहब मैंने आपको वो सेमिनार अटेंड किया था, मैं तो अभी भी वैसे ही हूँ, लेकिन एक्शन थोड़ा चेंज, वैसे सेमिनार तो अटेंड किया था आपने, राइट। सो यू टू चेंज योर एक्शन ऑल्सो, यू टू बोल्ड इनफ। मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ इस चीज को, लेकिन मान लीजिए ये एक वुडन लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है, चलना है, 2 फीट चौड़ाई है, 10 फीट लंबाई है, इसके ऊपर चलना है, चल पाएंगे आप, ऑफकोर्स चल पाएंगे, लेकिन इसमें 2 स्टूल के बीच में रख दूँ क्या आप तब भी चल पाएंगे, आप बोलेंगे हाँ चल लेंगे भाई। अगर मैं 2 बिल्डिंग के बीच में रख दूँ सेम चीज को, स्किल वही है, करना वही है, कोई नई चीज करने नहीं बोला, लेकिन अब आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो इन्फ्लुएंस करेगा, पता नहीं क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा, हड्डियां टूटेंगी, कितने टुकड़े हो जाएंगे मेरे, मैं मर जाऊंगा, मेरे तो बच्चे भी हैं, हजारों चीज, दैट इज कॉल्ड द पास्ट एक्सपीरियंस, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस। तो आप बोलेंगे शायद नहीं चल पाएंगे, है ना। अच्छा मैं एक और सिचुएशन देता हूँ कि आपके आंखों में पट्टी है, एक हेलीकॉप्टर आपको उठाता है, पूरे शहर का चक्कर लगा के आपको वहां पे ड्रॉप कर देता है, आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको जमीन पे है कि हवा में, आपको बस एक आवाज सुनाई देती पीछे से, सब ठीक है आगे बढ़ो, चल पाएंगे, और जब आधे तक पहुंचे फिर बोला अपनी पट्टी हटा लो। अब सो तो कोई भी चीज जब आप करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके स्किल पे निर्भर नहीं करता है कि बड़ी मुश्किल चीज है बड़ी आसान चीज है, वो निर्भर करता है कि व्हाट आई कॉल इट येल्लो जोन सिंड्रोम, राइट। वो येल्लो जोन सिंड्रोम, वो जो हार्ट बीट फास्ट हो गया, रेड येल्लो लाइट, राइट। तो जब हम को इस डाइट, जो भी डाइट अभी आपकी है उसको चेंज करके, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको चेंज करके जब सोचते हैं चलो ये करके देखते हैं, उस दौरान आपके आसपास के लोग हैं वो उठा के आपको धक्का देते हैं येल्लो जोन सिंड्रोम में, और चांसेस ये हैं कि यू सकम टू इट, और आप सोचते हैं छोड़ो यार कौन पंगे ले, जो चल रहा था चलने दो, राइट। तो आपको बस उस येल्लो जोन को पार करना है, येल्लो जोन सिंड्रोम। इसीलिए हमारे पूरे भारत में करीब 750-800 डायबिटीज एजुकेटर, वी कॉल देम डायबिटीज एजुकेटर, और अब भी काफ़ी सारे आप में से हैं, एक बार फिर हाथ को उठ खड़ा, या थैंक यू। तो उस वक्त येल्लो जोन से आप भागे ना, इसलिए मेरी तरह ऐसे बहुत सारे डायबिटीज एजुकेटर हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन खुद येल्लो जोन को क्रॉस करके वो इस जोन में आए हैं, ब्लू जोन में, अब चाहते हैं कि बाकी लोग भी आए, राइट। सो वो येल्लो जोन में से आप वापस, अगर रीडिंग किस दिन देख लिया ब्लड प्रेशर का 140/91/91 हो गया, तो घबरा के दवा लेना शुरू करेंगे कि नहीं, दैट इज येल्लो जोन सिंड्रोम। बस वहीं पे आपको स्ट्रांग रहना है। मैंने आपको क्लियरली साइंस समझा दिया कि दवा लेंगे तो नंबर घट जाएगा, लेकिन आपका इरादा नंबर घटाने का है या हेल्थ को बढ़ाने का, दोनों एक चीज नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा हॉस्पिटल जाइए, कान में वो पेशेंट, वो नर्स डॉक्टर बोल, डॉक्टर साहब वो पेशेंट तो मर गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्लड प्रेशर अभी भी, ब्लड शुगर अभी भी नॉर्मल है।
पेशेंट के रिश्तेदार आए, सारे लोग बैठे, बहुत दुखी है। नर्स उनको पहली बार बता रही है, बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा आपका पेशेंट की डेथ हो गई, लेकिन खुशी की बात है कि ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको खुश होना चाहिए ना, क्योंकि आपका मेन मकसद तो ब्लड शुगर को नॉर्मल करने आया था कि आपको हेल्थ को वापस लेने आया था। अगर तो आप चाहते हैं कि हेल्थ को वापस लें तो वो दवा के रास्ते से नहीं है, दैट यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अगर वो होता तो जो लोग सबसे ज्यादा दवाई ले रहे हैं वो सबसे ज्यादा हेल्थी होनी चाहिए था ना, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से, वो येलो जोन सिंड्रोम, उससे आपको बाहर निकलना है। क्योंकि जब आप इस तरह के डाइट में रहेंगे, जिस जो इसमें दिया हुआ है, इसमें क्लियरली मेंशन है क्या करना है कैसे करना है, तो जब इस तरह के डाइट में रहेंगे तो थोड़े बहुत विड्रॉल सिम्टम, राइट, कि अलग चीज कर रहे हैं तो ब्रेन रिमाइंड करेगा, लोग रिमाइंड करेंगे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको बाईपास करना है, लगे रहना है थोड़े दिन के लिए, मैं सालों साल नहीं बोल रहा, 15 दिन के लिए, 15 डेज अगर आप स्टिक करके आए तो वो येलो जोन सिंड्रोम से बाहर निकल गए। नाउ यू आर ब्लू जोन सिंड्रोम, यू आर इन अ कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में आएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, इस वाले डाइट में अगर सिंप्लीफाई करें तो फ्रूट्स बहुत सारे, 500 ग्राम से 1 किलो रॉ वेजिटेबल, कच्ची सब्जी 500 ग्राम से 1 किलो, ग्रीन लीफ पत्ते, राइट, करीब 50 ग्राम से 100 ग्राम, राइट, ये सारी चीजें ज्यादा खानी होती हैं, और दूध छोड़ना होता है पूरी तरह से, और अगर दूध ज्यादा ही आपको पीना है तो हफ्ते में एक बार कभी पी लिया, टेस्ट की वजह से, क्योंकि ब्रेन आपका पीछा कर रहा है, याद दिला रहा है, लेकिन वो दूध किसी भी तरह से आपको नहीं पीना होता है इसमें, राइट? तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट, आपके लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। कई बार ऐसा कोई बोलते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, इससे ठीक तो हो जाते हैं, राइट? ये सारा मैं दूध भी छोड़ दिया और अंडे भी छोड़ दिए, वो पकौड़े भी छोड़ दिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट में, ठीक तो हो गए डॉक्टर साहब, मेरी ब्लड शुगर कम हो गई, मेरी ब्लड प्रेशर भी कम हो गई, मेरा वेट भी कम हो गया और मेरी जीने की इच्छा भी कम हो गई। तो मैं ये नहीं चाहता कि जीने की इच्छा आपकी कम हो जाए, वो ज्यादा ही रहे। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वही ब्रेन को ना चालाकी से आपको जीतना पड़ेगा, चालाकी से, गैस्ट्रोफिजिक्स, राइट? मैंने आपको पहले ही बताया, जो टेस्ट जो है वो किसमें है, जीभ में है क्या, देखने में है ना, सुनने में है ना, एक्सपीरियंस में है ना। तो उस जो जिससे ब्रेन ने हमें काबू में किया, उसी टेक्निक को ब्रेन के लिए हम यूज करते हैं। क्योंकि अगर टेस्ट अगर जीभ से है ही नहीं, वो हमने मैंने बताया अभी, बाकी सेंसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, तो बाकी सेंसेस को इन्वॉल्व करके हम इसको कोई भी चीज को टेस्टी बना सकते हैं। इसका मतलब जो चीज आपके लिए उपयोगी है उसी चीज में टेस्ट ढूंढ सकते हैं, इसका मतलब। तो वो कैसे करें, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, 3 टिप्स अभी देता हूं, राइट? टिप नंबर 1, सोशल डाइनिंग, इसे बोलते हैं गैस्ट्रोटिज्म, सोशल डाइनिंग। पूरा परिवार अगर एक साथ बैठ के खाएगा और एक तरह का खाना खाएगा तो ज्यादा चांसेस है कि आप इसको कर पाएंगे। तो आप में से वो लोग जो पूरे परिवार मिलके, या कम से कम 2 लोग एक परिवार के मिलके तय करेंगे हमें ये करना है, तो उनके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। कोई एक करेगा तो वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। दैट इज कॉल्ड सोशल डाइनिंग, राइट? ये अकॉर्डिंग टू गैस्ट्रोफिजिक्स, इफ यू कैन डू इट इन ए ग्रुप, देन यू कैन सक्सीड बाई, राइट, हैविंग हायर चांस ऑफ सक्सेस। तो पहले तो ये कीजिए कि अकेला ना करके 2-4 लोग साथ में। दूसरा, कई लोग मुझे बोलते हैं ये वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये खाने का मन ही नहीं करता, राइट? मन तो वही करेगा जो सुबह उठते हैं, ब्रेड और चाय पीने का मन करेगा, बिकॉज ब्रेन ने वही देखा है। मन कैसे करता है किसी चीज को, उसका एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। अब देखिए, घर में कभी आप रखते हैं इसको ऐसे, एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने घर में, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ऐसे रख दीजिए टेबल के ऊपर, छोटा बच्चा को देखेगा देखेगा, एक दिन खोलेगा, खाने की कोशिश करेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई 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 पुराने से एक 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 बास्केट में उसको फ्रूट्स को ठूस के रख देते हैं कहीं पे भी, राइट? तो याद रखिए, देखने से, डिस्प्ले से, राइट, द साइंस, द सेकेंड टिप इज कि कोई भी चीज को, फ्रूट्स, कोई भी फूड को अगर आप लगातार देखेंगे कुछ समय तक, तो वो देखने से एज इफ की फूड इज टॉकिंग टू यू, धीरे धीरे आपका ब्रेन बोलेगा यार ये बड़ा टेस्टी है, बोलेगा ही बोलेगा, राइट? कोई भी चीज जब आप देखेंगे, चाहे वो पहले टेस्टी नहीं था लेकिन वो डिस्प्ले में रखा हुआ है, आप उसको देख रहे हैं। अब देखते हैं ना वो रेस्टोरेंट कैसे खाना बेचते हैं, राइट? तो केले वाला उस खाने को सजा के नहीं रखता, ठेले में रख देता है, राइट? ठेले में चिप्स ऐसे ही पड़े हुए, आप खाएगा कोई बच्चा, राइट? तो वो डिस्प्ले प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अब आपको पता है कि जब आप खाते हैं जीभ से नहीं खाते एक्चुअली, आंखों से खाते हैं पहले, राइट? तो अपने घर में एक चेंज कीजिए, वो ना केवल बच्चों के लिए, खुद के लिए भी चेंज कीजिए, कि जब भी घर में कोई फल और सब्जी आए तो उसका डिस्प्ले ठीक कीजिए, राइट? इट शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेदर यू विल चूज दैट फूड और नॉट। डिस्प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, राइट? सो उसको आप कैसे डिस्प्ले करेंगे वो आप तक है,
that you will decide, I will not decide. मैं तो example दे रहा हूँ, right? So this is and then yeah, एक simple idea, जो चीज आप खाना कम चाहते हैं कि ये चीज ना खाई जाए, ये चीज tasty लगती है लेकिन ये ठीक नहीं health के लिए. तो the third tip of gastrointestinal says, जो चीज कम खाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है vegetables and fruits ज़्यादा खाए, right? तो उसको plate के size को बड़ा कर दिया. तो वो खाना कम हो गया. आंखें देख रही है यार कम खाना है, खाना उतना ही है या ज्यादा है, बट आंखें क्या देख रही है? पहले डिसाइड पेट भरा कि नहीं भरा, वो आपका स्टमक नहीं बताता, कौन बताता है? पहले आपकी आंखें बताती है कि मैंने इतना खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा. उसके बाद स्टमक ब्रेन का बारी बाद में आती है. योर आईज डिसाइड्स वेदर योर स्टमक इज फुल और नॉट. तो आंखों को धोखा देना है. बड़ा प्लेट, इतना बड़ा प्लेट, तो जितना क्वांटिटी रखेंगे वो कम ही लगेगा, राइट? तो योर चांसेस कि आप उसको पूरी तरह खा जाएं. देखिए अपने ही ब्रेन को, ब्रेन के ही नियम से हम उसको, ब्रेन पता है, ब्रेन को ये पता चल जाएगा यार ये तो वो ट्रेनिंग में गया था और वहीं सीख के आया और मुझे धोखा देने लगा. लेकिन ब्रेन फिर भी सपोर्ट करेगा उसके बावजूद भी, क्योंकि ब्रेन को पता है यार, ब्रेन इज अ सर्वेंट एक्चुअली. उसको पता है कि मेरा काम है अल्टीमेटली इनको सपोर्ट करना. तो ब्रेन विल सपोर्ट यू, राइट? तो जब आप अपने बच्चे को भी देंगे और चाहते हैं कि ये चीज बच्चा जरूर खाए, तो पेट का साइज बड़ा और चीजें फिर रख देंगे तो वो उसका पेट देर से भरेगा. और जो चीज चाहते हैं कि बच्चा खाए ना, इतना छोटा सा प्लेट वो बाहर निकल के गिर रहा है, राइट? तो बच्चे को ब्रेन आंखें बोलेंगी ये इतना ज्यादा है, तो थोड़ा सा खाके भी लगेगा कि अब खाने की इच्छा पूरी होती है. सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर. ये दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोफिजिक्स. ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है. जो डायबिटीज एजुकेटर्स हैं तो CME कार्ड जो मिलेगा उसमें आपको पूरा इलाबरेट जो चाहिए पूरा आपको उसके अंदर मिल जाएगा. या फिर कभी दोबारा कभी ट्रेनिंग का मौका मिलेगा तो एक बार सिर्फ हम इस सब्जेक्ट पे ही साइंस ऑफ चूजिंग द फूड, राइट? हाउ वी चूज. आज मैंने आपको आइडिया दिया, व्हेन वी चूज द फूड इट इज इट द टेस्ट डजंट मैटर. When we choose the food, many other things matters, which has nothing to do with the taste itself. तो साइज तब टेस्ट मैटर नहीं करता. कई सारे ऐसी चीज मैटर करती है जो हमने कभी सीरियसली लिया भी नहीं. जैसे कलर मैटर करता है, हालांकि वी कैनॉट ईट द कलर, राइट? जैसे साइज मैटर करता है, जैसे जैसे उसकी आवाज मैटर करती है जो हमने कभी देखा नहीं, राइट? लेकिन वो मैटर करती है और वो अच्छी तरह से मैटर करती है, राइट? सो वेन यू डिसाइड द फूड, तो फूड कौन सा टेस्टी है कौन सा टेस्टी नहीं है, वो फूड इटसेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आपका ब्रेन वैसे ट्यून्ड है, और अगर वो ब्रेन की ही बात है तो वो तो आप चेंज कर ही सकते हैं. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. तभी ब्रेन को बोलते हैं ब्रेन इज इलास्टिक, इट इज़ नॉट प्लास्टिक. प्लास्टिक वो होता है जो बदल नहीं सकता, इलास्टिक वो होता है जो चेंज हो सकता है. सो बी इलास्टिक. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू. थैंक यू.